तो गुट कटो हेलो विजु ओल दो भाई उत्मा रहो कई मामलो तो मामलो तो यहां रे शादी करने रे बाद में कोई पहली बार आई थी आई पासी की और दूसरी बार बड़े आई अब तीसरी बार आई जनो हिंजारी आई एन सुबह आए 4 बजे 5 बजे बीच में ये टोंके पानी न गई थी मुर्गी उरे पहले मैं ओ हणियो तो कह के ये मुर्गी आवती और मुर्गी आवती ये कारण वो गया या पैर पिसलने के साथ वो चली गई माइतरियों के भाई गया मारे आ गए माइतर के ये मारी नौकी भी हाँ तुम मारी कौन आप बात कितनी सही है बिल्कुल ही गलत है आज अच्छा तो की कर टोके की कर पड़ी या तो वे मुर्गी आई मर गई है या उसके पैर पिछलने से अच्छा आज किने क्या बंदे आया होते आज एसपी साहब अरनो पद्माराम किन मामले में लेना आते आया दम्माराम के भाई आज हूँ 18 फरवरी की बच्चे की शादी हुई और वो बच्ची को लेके आए ससुराल हमारे मतलब दम्माराम का पुत्र गया था उसमें उन्होंने भाई दो दिन यहाँ रही वो 11 तारीख को लेके आए और 12 तारीख को उसको कोई मिर्गी का दौरा पड़ रहा था वो इनको तो पता था ही नहीं भाई ससुराल पक्ष दम्माराम के परिवार को पता नहीं था भाई मिर्गी क्या इसके कोई बीमारी है ऐसा कोई पता नहीं था और वो लेके आ गए और उनको ध्यान नहीं रहा और वो टाँके गई पानी लाने के लिए और वहाँ उनको अगर मिर्गी आ गई तो ही पता नहीं और पैर फिसलने से टाँके में गिर गई और टाँके में गिरने से उसकी मौत हो गई और अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे वो उनके परिवारों ने रड़ा की चिल्लाए तो मतलब वो आए निकालने की कोशिश की इतनी देर में वो ख़त्म हो गई तो यही तो परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों मारे उन्होंने नहीं ये सरासर झूठ बात है इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था दो दिन में कोई मारना थोड़ी चाहेगा भाई 4 लाख रुपये शादी में लगा के लेके आते हैं भाई बच्चे के बहू लेके आते हैं और मार देते हैं ऐसा कोई आदमी नहीं होगा शायद और भाइयों को पूछा अड़ोस पड़ोस को पूछा हमारे को सबको मतलब ये पूछताछ तहकीकात करके मतलब हम यहाँ पूरे आए हैं कम से कम 100-150 आदमी आए हैं यहाँ तो मतलब शोर के साथ में एक भी आदमी नहीं बैठा है कितने ज्ञापन देना है आज एसपी साहब को हमारा नाम कुंभाराम हियोड़ है कोड़ू निवासी हूँ इन मामले लेने आया हूँ कि एक कुंभाराम की लड़की है कोड़ू में शादी करी उड़ी फटो दे रही फलसून की एक्चुअली में बाकी है कि या तो पौनी लाण वास्ते की पाँव फिसल गयो या कोई बिंगे पहला हुई तकलीफ ही मानसिक तकलीफ हो सके क्योंकि अज्ञात होए बाकी एड़ी कोई परिवार में कोई क्लेश नहीं है कोई झगड़ो नहीं हो हाल भी नहीं मैं दी नहीं हूँ की और कोई बात की प्रॉब्लम न तो बनाने हारियों ने बताई और न प्रॉब्लम होने की कोई गुंजाइश ही और न कोई इन बारे में कोई गांव ने जानकारी एक स्पष्ट गांव ने जानकारी है कि वो परिवार निर्दोष है और जानबूझकर पीर पक्ष की तरफ नाजायज परेशान किया जाना और समाज में प्रताड़ित करने का काम किया जा रही है आज एसपी साहब ने मिलने वास्ते आया हूँ एसपी साहब को निवेदन है कि साहब जो प्रकरण बताया जाए वो प्रकरण तो बिल्कुल है सो सरासर नहीं है और मन गढ़ंत है और अपनी मन मर्जियों बनावे एड़ो कोई चीज़ है सो कोड़ू के मो कुछ भी नहीं हुआ है नहीं होने की कोई गुंजाइश है नहीं साहब कोई मार टोंके में नौकी नहीं पगों बैन गई है और इतना लोग साक्षी है पूरा गांव साक्षी है कि बिल्कुल अपने पाँव चलन गई है पानी लाण वास्ते गई है मटको लेन गई है मार जे वो मटको लेन को जेन अपने पाँव चलन जान जेकर पाँव स्लिप हुए तो ही हो और कोई मानसिक कमजोरी ही तो ही हुई भी निभा जोड़े और ज़्यादा भी माइतों जानकारी है आज हालांकि पीर पक्ष ऐसो उन्हें नाजायज परेशान करें इन वजह एस पी साहब मिलना चाहूँ।